ये प्रयोग में हम लोग बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बनाएं जा। एक्रेली अपने के इंसुलेटेड कॉपर वायर लगी, एगो सुई लगी, ब्लेड लगी और बैटरी लगी। पहले 25 गेज वाला इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लें और कॉइल बना लें 40 बार गोल कैले से, कैले के बाद, और ओकर दोनों छोर घिस लें ताकि कॉपर साफ दिखे अपने के। एगो चौकोन रबर ले लें और ओकरे अंदर एगो लंबा सा खाचा बना लें। कैले के बाद अपन कॉइल ले लें और वो खाचा के अंदर डाल लें ताकि अपन कॉइल सीधा खड़ा रह सके। अब अगर हम लोग एगो ब्लेड लेके धागा से टांग दे जाए तो हम लोग देख सके नहीं जाए, पहले से ही उत्तर और दक्षिण छोड़ के दिशा में रहेला, काहे कि पहले से ही मैग्नेटाइज रहेला। यही तरह सुई भी उत्तर और दक्षिण के तरफ देखेला। ब्लेड के लेके एगो बहुते पतील धागा से कॉइल के ऊपर टांग दें और इसे बांध दें ताकि आराम से घूम सके। ऐसा कइले के बाद अपन इंसुलेटेड कॉपर वायर के दोनों छोर पे एगो बैटरी लगा लें। जैसे ही बैटरी लगाएंगे आप लोग देख सके नहीं जा कि ये ब्लेड एकदम 90 डिग्री के कोण पे घूम गई हवे। ऐसा ए लिए होता कि अपन कॉइल अब चुंबक के जैसा बन गई हवे और ब्लेड के अंदर का चुंबकीय फील्ड उसे दूर भागेला, ए लिए ये 90 डिग्री के कोण पे अपने आप के लगा लेत हवे। अब अगर हम लोग बैटरी का छोर बदल दें जा तो हम लोग देख सके नहीं जा कि ब्लेड वापस 90 डिग्री के कोण पे घूम जाएला, लेकिन ए बार एकदम उल्टा घूमेला। लोग देख सके नहीं जा कि अपन ब्लेड कॉइल के 90 डिग्री के कोण पे हवे। ये प्रयोग हम लोग सुई से भी कर सकें जा, काहे कि अपन सुई भी ब्लेड के जैसे पहले से ही मैग्नेटाइज हवे। ऐसा कहले पे हम लोग देख सकें जा कि सुई भी कॉइल से 90 डिग्री के कोण पे अपने आप के लगा लेवेला।